तो दोस्तों आप कहीं गलत बात में ना आ जाए, तो आज के वीडियो में लेके आ चुका हूँ ये Oppo Enco M32 की ऑनेस्ट रिव्यू। और इसी बात के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के वीडियो में हम डिटेली सारी चीज़ टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आपको म्यूजिक क्वालिटी कैसे देखने में जाती है, कॉलिंग कैसे देखने में जाती है। यहाँ पे आपको लो लेटेंसी लिख दिया गया है, लेकिन गेमिंग कर सकते हो या नहीं, ये सारी चीज़ यहाँ पे टेस्ट करेंगे, ताकि यहाँ पे 10th of January पे आप जब भी खरीदने जाओ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसको एक्चुअली खरीदना सही रहेगा या नहीं। और साथ में वीडियो को देखते देखते आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इसको ज्यादा बेटर है या फिर Realme Bud Wireless 2 Neo, थोड़ी सी आपको आइडिया दे दूंगा। बाकी जो फुल कंपैरिजन आगे जरूर से आएगा, तो इसी बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं 250 रुपीज़ का अमेजन वाउचर गिव अवे कर रहा हूँ, आप कैसे पार्टिसिपेट करके दे सकते हो उसका जो पूरा डिटेल्स आपको वीडियो में कहीं पे बीच में रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसकी जो बॉक्स पैकेजिंग की, तो यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेट आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर पे देखने को मिलते हैं। सामने तरफ आपको यहाँ पे Oppo Enco देखने को मिलता है और एक्चुअल नेकबैंड का आपको इमेज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको M32 करके लिखा गया है और पीछे देखोगे तो आपको सारे की हाईलाइट्स है, जहाँ पे इसको अगर 10 मिनट के लिए चार्ज करते हो तो यहाँ पे आपको टोटल 20 आवर्स की म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। इसके जो टोटल प्लेबैक टाइम आपको जो बैटरी लाइफ है 28 आवर्स की मिलती है। और ये जो प्लेबैक टाइम आप सुन रहे हो, ये एक्चुअली अगर आपको 50-60% के वॉल्यूम में सुनोगे भी मिलेगा, 100% में सुनोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे 15-20 आवर्स तक आपको बैटरी लाइफ यहाँ पे मिल सकती है। बेस बूस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब हल्के फुल्के पानी के छींटे गिरे या फिर अगर यहाँ पे कोई स्वेट वगैरह अगर आपको होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये इजिली हैंडल कर लेगा। यहाँ पे आपको डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का ऑप्शन मिलता है, मतलब अगर दो डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करते हो तो बड़े आसानी से आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को स्विच कर सकते हो। इसके लिए आपको जो नेकबैंड की जो प्लस और माइनस बटन है आपको एट ए टाइम प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद एक डिवाइस से ये दूसरे डिवाइस को यहाँ पे स्विच हो जाते हैं। ये काफ़ी यूजफुल रहेगा अगर आप मानो कोई लैपटॉप में कोई मीटिंग वगैरह ले रहे हो, आपका मीटिंग हो जाने के बाद कोई कॉल आता है दूसरे डिवाइस में फ़ोन में, तो यहाँ पे अगर स्विच कर लेते हो तो यहाँ पे आप कॉल वगैरह ले सकते हो। काफ़ी यूजफुल फीचर है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, तो 10 मीटर के रेंज पे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। और आपको लो लेटेंसी ट्रांसमिशन करके यहाँ पे लिखा गया है, तो लो लेटेंसी एक्चुअली कितने देखने को मिल जाती है, गेमिंग कर पाओगे या नहीं, यहाँ पे हम गेमिंग टेस्ट में ये सारी चीज़ पता लगा देंगे। अभी के लिए इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं आपको बॉक्स कंटेंट में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बॉक्स ओपन करते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे नेकबैंड देखने को मिल जाती है, अभी के लिए इसको साइड पे रखते हैं। और इसके नीचे आपको देखने को मिल जाती है और एक पैकेट, और इसके अंदर आपको सारा एक्सेसरीज वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और यहाँ पे आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो टाइप सी की चार्जिंग केबल है लेग से, तो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी यहाँ पे बड़ा देखने को मिल जाता है। लास्ट टाइम Oppo Enco बड्स में बिल्कुल ही नहीं दिए थे और यहाँ पे आपको इतना बड़ा यहाँ पे चार्जिंग केबल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाती है और इसके अंदर ये यूजर मैनुअल्स के साथ साथ यहाँ पे आपको वारंटी भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करते हैं अभी इसके जो नेकबैंड की, तो नेकबैंड की ओवरऑल अगर बात करें ये आपको काफ़ी लाइट वेट एक्चुअल में देखने को मिल जाते हैं, मतलब हाथ में मैं पकड़ा हूँ लेकिन पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे आपको मतलब ये पकड़े हो, मतलब अच्छा है, मतलब इसको मैं कहूँगा कि आप लॉन्ग टाइम तक इसको पहनोगे तो आपके गले पे है करके आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगा, काफ़ी आपको लाइट वेट देखने को मिल जाती है। सेम टाइम में एक्चुअली यहाँ पे नेकबैंड की क्वालिटी देखेंगे तो ये मैं कहूँगा कि आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको ज़्यादा स्किन फ्रेंडली यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे चिपचिपा यहाँ पे लग रहा है। और अगर बात करें कि ये आपको ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पे मिडिल टाइप का कह सकते हो, ऐसे टाइप का आपको नेकबैंड देखने को मिल जाती है। इसको भी आप कुछ इस तरह से आप मोल्ड करके कैरी करके ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी में कहूँगा कि थोड़ी सी यहाँ पे इंप्रूव हो सकता था। अगर आप बात करें जो कंट्रोलर वाला पार्ट और जो बैटरी वाला पार्ट, यहाँ पे आपको कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको एक साइड देखने को मिल जाती है Oppo की ब्रांडिंग, दूसरे साइड आपको कुछ भी नहीं है, आपको पूरा ब्लैंक है और उसके नीचे आपको सारे यहाँ पे बटन्स वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको प्लस माइनस और आपको एक मल्टी फंक्शनल बटन देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक छोटी सी LED इंडिकेटर लाइट। और यहाँ पे गाइस आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिलता है, तो जैसे ही इसको ईयरबड को अगर अलग कर दोगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, वापस जोड़ दोगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। ये फीचर काफ़ी हेल्पफुल है और यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर आपको यहाँ पे कवर भी एक देखने को मिल जाती है। बात करें इसकी जो वायर की, तो वायर मुझे मैं कहूँगा कि प्राइस के हिसाब से एवरेज लगा और यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता था, मतलब ज़्यादा ये टैंगल फ्री भी नहीं है और आपको थिकनेस भी यहाँ पे कम देखने को मिल जाती है 1500 प्राइस पॉइंट में, हाँ ठीक है हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर बात करें अभी जब इसका रेगुलर प्राइसिंग 1800 हो जाएगा, उस हिसाब से इसकी जो वायर की क्वालिटी में कहूँगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा एवरेज देखने को मिलती है। अभी बात करते हैं इसके ईयरबड्स, तो ईयरबड्स की डिज़ाइन आप जैसे तो कुछ इस तरह से, ये आपको कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी आपको ग्लॉसी फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिलता है
और यहाँ पे आपको ईयर हुक्स के साथ आते हैं। और अगर बात करते हैं कि अगर इसको कभी अगर ईयर हुक्स के बिना अगर यूज़ करना चाहोगे तो गाइज आप नहीं कर सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पे अंदर आपको जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है आपको इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है, और साथ में कुछ आपको ऐसे दो पॉइंटेड टाइप का आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपको कानों में यहाँ पे चुभेगा। तो ज़रूर से आप इस ईयर हुक्स के साथ इसको यूज़ करना। और अगर बात करें कि इसके जो ओवरऑल फिटिंग और कम्फर्ट की, तो इसको मैंने यूज़ किया था और मैं कहूँगा कि गाइज इसकी जो फिटिंग इतना अच्छा नहीं है। रीज़न भी बताता हूँ, अगर आप देखोगे राइट तो यहाँ पे आपको जो एंगल करके रखा गया है राइट, इसके जो ईयरबड्स जो आपके ईयर कैनल पे जाएगा वो पार्ट आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको जो देख रहे हो एक रबराइज टाइप का जो ईयर हुक से साथ आपको जो फिक्स्ड है, ये पार्ट एक्चुअली आपको फ्लैट टाइप का जो ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ये कहीं ना कहीं इस जगह पे यहाँ पे स्टॉप हो जाता है और आपको बीच बीच में हमेशा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब एक प्रॉपर फिटिंग नहीं मिलता है। तो अगर आप वर्कआउट के टाइम में अगर रनिंग के टाइम में इसको यूज़ करोगे तो ये बार बार अपने कान से बाहर निकल जाएंगे, इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखना। बाकी काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि इसकी जो ओवरऑल वेट आपको काफ़ी लाइट रखा गया है, जिसकी वजह से इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ये चीज़ आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन फिटिंग के मामले में ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इतना ये अच्छी फिटिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो जो जिमिंग के लिए वर्कआउट के लिए कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आपको इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी अगर बात करते हैं यहाँ आपको कैसे कनेक्ट करना है और आपको जो बटन फंक्शन कैसे देखने को मिल जाती है, अभी सीधा चलते हैं यहाँ पे आपको कैसे कनेक्ट करना है, फंक्शन वगैरह आपको मैं बता देता हूँ जिससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए आपको इसके जो ईयरबड्स को अलग कर देना है, उसके बाद ये ऑन हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करते हो और सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको Oppo Enco M32 देखने को मिलेगा। इस पर अगर सिलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो डिवाइस है कनेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जाकर अगर हम चेकआउट करते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी AAC कोडेक का सपोर्ट है, कोई भी LDAC वगैरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे गाना को प्ले पॉज करने के लिए यहाँ पे जो मल्टीफंक्शनल बटन है, अगर यहाँ पे सिंगल सिंगल बार टैप करते हो तो यहाँ पे प्ले पॉज के लिए काम करते हैं। अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो यहाँ पे प्लस और माइनस का यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको गाना को नेक्स्ट करना है तो यहाँ पे आपको प्लस वाला बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखना है तो नेक्स्ट सॉन्ग के लिए। अगर आपको प्रीवियस सॉन्ग ले आना है तो यहाँ पे आपको माइनस बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखना है तो यहाँ पे आप प्रीवियस सॉन्ग के लिए आ जाओगे। फोन में वॉइस असिस्टेंट को वेक करने के लिए यहाँ पे मैनुअल पे लिखा गया था कि अगर आप 3 बार अगर टैप करते हो जो मल्टीफंक्शनल बटन तो यहाँ पे वेक हो जाएगा, लेकिन मेरे केस में जैसे मैंने इसको 2 बार टैप किया था तो यहाँ पे ये वेक हो चुके थे। और यहाँ पे कॉल आंसर करने के लिए यहाँ पे जो बीच वाले बटन है इसको आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका कॉल आंसर हो जाएगा। अगर फिर से अगर आपका कॉल हो जाने के बाद इसको डिस्कनेक्ट करना है तो अगेन यही सेम बटन को प्रेस कर देना है सिंगल बार। कॉल आंसर नहीं करना चाहते हो, रिजेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको जो बीच वाला बटन है इसको आपको प्रेस करके होल्ड करके रखना है तो आपके कॉल भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। और अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो 10 mm के यहाँ पे ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं वो कैसे साउंड करते हैं, अभी इसका एक म्यूजिक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नॉन कॉपीराइट सॉन्ग का इस्तेमाल करने वाला हूँ, अगर आपको हिंदी सॉन्ग में इसका आउटपुट जानना है आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मेरे वीडियोज पे चेकआउट कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि कैसे आप गिव अवे पार्टिसिपेट करके 250 rupees का अमेजन वाउचर देख सकते हो। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, जो लाइक की टारगेट है बस 200 है। जैसे ही 200 की लाइक टारगेट यहाँ पे पूरा हो जाता है तो आप में से किसी को मैं यहाँ पे 250 rupees का अमेजन वाउचर गिव अवे कर दूंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे एक प्यारा से कमेंट कर देना है, आप कुछ भी कमेंट रखो, लेकिन उसके साथ आपको यहाँ पे #daybydaytech भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम YouTube रैंडम कमेंट पिकर के थ्रू एक नाम को चूज करेंगे, जिसका भी नाम आता है उनको मैं यहाँ पे 250 rupees का अमेजन वाउचर गिव अवे कर दूंगा। उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं Instagram के थ्रू कॉन्टैक्ट करूंगा, तो जरूर से मुझे Instagram भी फॉलो कर लेना। तो अभी बात करते हैं कि यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी कैसे देखने को मिल जाती है। साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे शॉर्ट सी कंपैरिजन करके बताऊंगा कि रियलमी बर्ड वायरलेस 2 नियो से कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, तो अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे बेस की प्रायोरिटी है तो यहाँ पे आपको रियलमी बर्ड वायरलेस 2 नियो में बेटर बेस देखने को मिल जाती है। लेकिन सेम टाइम में उसी बेस के चलते वहाँ पे आपको बहुत सारे बिट्स आपको थोड़े से आपको मतलब समझ में नहीं आएगा जो कि यहाँ पे आप यहाँ पे डिटेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे आपको सारे बिट्स सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अच्छी तरह से आपको सुनाई देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा
ज़्यादा साउंड क्वालिटी की प्रायोरिटी है, मतलब आपको सारा चीज़ जानना है, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन वगैरह, तो यहाँ पे आपको ओप्पो एनको M32 में यहाँ पे बेटर देखने को मिलती है। बेस्ट प्रायोरिटी तो आपको डेफिनेटली रियलमी बट वायरलेस टूनियो में ज़्यादा बेटर बेस्ट देखने को मिलती है। लास्ट टाइम जो ओप्पो एनको M31 में आपको थोड़ी सी लाउडनेस कम देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार आपको लाउडनेस अच्छी देखने को मिल जाती है, लास्ट टाइम की जैसा नहीं है, तो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे जो कॉलिंग के लिए आपको जो नॉइज़ कैंसलेशन की, तो यहाँ पे कौन सी फीचर यूज़ किया गया है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन आप ये अज्यूम करके चलो कि यहाँ पे आपको कोई AI पावर्ड या फिर इनका जो एल्गोरिदम रहता है उसी बेसिस पे इसका जो नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह यहाँ पे काम करते हैं। अभी सीधा इसका टेस्ट कर लेते हैं कॉल का, तो आपको यहाँ पे बेहतर आइडिया हो जाएगा कि अगर इसको कॉलिंग के लिए लेना चाहते हो तो ये आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो, ये आवाज़ आपको इसी ओप्पो एनको M32 से मिल रहा है, और यहाँ पे मेरा जो फैन है उसको फुल स्पीड में चालू रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी तरह अगर आप इसी नेकबैंड को यूज करके इसको कॉल करते हैं तो जो माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। तो आज एक्सपेक्टेड यहाँ पे वो कॉलिंग क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है, आप आराम से अपना कॉल वगैरह ले सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे आपको डेडिकेटेडली कोई यहाँ पे लो लेटेंसी मोड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये जो ओवरऑल नेकबैंड है यहाँ पे आपको लो लेटेंसी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये एक्चुअली आपको कैसे काम करते हैं, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो गेमिंग के लिए या नहीं, अगर यहाँ पे मूवीज वगैरह देख रहे हो तो वहाँ पे आपको जो वीडियो और ऑडियो में कितने डिले आते हैं इससे आप आइडिया कर सकते हो। तो सीधा यहाँ पे एक गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं जिससे आपको बेहतर यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। तो जैसे आपने इसके जो गेमिंग टेस्ट देखा, तो इससे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसके जो लो लेटेंसी है यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली आपको रियलमी बर्ड वायरलेस 2 नियो के बराबर है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको अराउंड 80-100 मिली सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे लेटेंसी देखने को मिल जाती है। तो मूवीज़ वगैरह देखने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, और यहाँ पे कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो। अगर बात करें ओवरऑल कि यहाँ पे 1500 रुपये के लिए ये कितने और थे, आपको बाय करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे मैं कहूँगा अगर आपको लंबी बैटरी के साथ, अगर अच्छी साउंड क्वालिटी कॉल क्वालिटी के साथ, अगर आपको बाय डिफॉल्ट जो लो लेटेंसी मोड है इसी को कंसिडर करके इसको बाय करना चाहते हो तो कर सकते, तो लेकिन इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी 1500 रुपये के लिए मैं कहूंगा कि ओके एवरेज है, और थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर हो सकता था। जब इसका रेगुलर प्राइस यहाँ पे 1800 रुपये हो जाते थे उसी हिसाब से ये ज़्यादा इतना प्रीमियम देखने को नहीं मिलते हैं। खास करके यहाँ पे देखोगे इसके जो फिटिंग आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप जिमिंग वगैरह के टाइम इसको यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको बार बार इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान रखना। नहीं तो बाकी जो साउंड क्वालिटी कॉल क्वालिटी यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे और भी इंप्रूव हो सकता था। ये था कुछ डिटेल्स इस ओप्पो एनको M32 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना गाइज, और यहाँ पे प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करो या फिर मुझे इंस्टाग्राम में भी DM करो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूँगा। और रियलमी बर्ड वायरलेस 2 नियो के साथ इसका जो कंपेरिजन जल्दी आएगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, और जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आप गिवअवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो जरूर से पार्टिसिपेट कर लेना, और आई होप आप जल्दी जल्दी यहाँ पे जो 250 रुपीज़ का अमेजन वाउचर यहाँ पे जीत जाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।